भगवान बुद्ध का धम्म, और भगवान बुद्ध के धम्म के अनुयायियों ने भगवान बुद्ध के धम्म का धंधा बना दिया। कैसा धम्म मानते हैं, अलग अलग चल रहे हैं सारे लोग। दिल्ली के अंदर जो सेकंड संडे आता है फरवरी का, उसमें यहां मेला लगता है, दो दो मेले लगते हैं, मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जाने वाले जो धम्मिक बुद्धिस्ट लोग हैं वो दिल्ली के अंदर हैं, उनमें भी नेतागिरी। अपने अपने पर्चे छपाते हैं, अपने अपने फोटो लगाते हैं, अपने अपने मोबाइल नंबर लिखते हैं, वीडियो पर अपील करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम। बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, दसियों कार्यक्रम लगेंगे अलग अलग बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। कोई एक संगठन नहीं, कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं, और धम्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो उनसे भी गए गुजरे, वो कभी ये नहीं कहते कि धम्म में अलग अलग क्यों है। बुद्ध ने कहां कहा तक अलग अलग संगठन बना के रहना है। बुद्ध के धम्म के बाद में टुकड़े किए गए जो सम्राट अशोक ने मिलाए और सारे एक साथ किए, तब भी समझ में नहीं आया सम्राट अशोक से भी कि सबको एक होना चाहिए। कैसे सम्राट अशोक के मानने वाले हो, अलग अलग चलते हो, अलग अलग काम करते हो, आपका क्षेत्र अलग हो सकता है, आपका जिला अलग हो सकता है, आपके काम करने की कैपेसिटी अलग हो सकती है, क्षमता अलग हो सकती है, मगर धम्म तो एक है। तो एक धम्म की धारा में आना चाहिए, एक धम्म की धारा में आएंगे तो धम्म की धारा मजबूत होकर चलेगी। हर आदमी धम्म में नेतागिरी कर रहा है, सब पोस्ट लेके, कौन सी पोस्ट और कौन से पद धम्म के अंदर भगवान बुद्ध ने बताए कि आप प्रेसिडेंट बन जाना, आप जनरल सेक्रेटरी बन जाना, आप कैशियर बन जाना, आप नेता बन जाना। हर एक धम्म का आदमी मरने को तैयार है, मगर पोजिशन छोड़ने को तैयार नहीं है, नेतागिरी छोड़ने को तैयार नहीं है। मंच सजा के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे धम्म का कितनी बड़ी देशना वहां देने वाले हैं, और बात सारी करेंगे राजनीति, पूरे दिन दल बदल और अपना धम्म का प्रचार की जगह कैसे अपनी पोजीशन मेंटेन हो उसके लिए लड़ते रहेंगे। अगर किसी ने निकाल दिया तो अपना एक नया संगठन बना के बैठ जाते हैं, हर साल दसियों बन जाते हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि हम बहुत बड़े बुद्ध का काम कर रहे हैं और हम बहुत बड़े धम्म का काम कर रहे हैं। जब तुम धम्म को जाने ही नहीं, धम्म को समझे ही नहीं, धम्म ने कब कहा कि अलग अलग होना है। धम्म प्यार सिखाता है, धम्म सबको साथ रहना सिखाता है, धम्म करुणा सिखाता है, दुनिया को उपदेश देंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो और जय हो। और भगवान बुद्ध ने कब कहा कि तुम करुणा जय अलग अलग करना, अलग अलग ऊपर से एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कब कहा कि तुम एक संगठन वाले दूसरे संगठन की बुराई करते रहना, एक दूसरे के यहाँ जाएंगे नहीं। भगवान बुद्ध ने कब कहा कि तुम संगठन अलग अलग बना के एक दूसरे के यहाँ मत जाना। अपने अपने कार्यकर्ताओं को रोक के रखेंगे, जो धम्मिक लोग हैं उनको रोक के रखेंगे, उनको गुमराह करेंगे, उनके मन में द्वेष भरेंगे। भगवान बुद्ध ने कब कहा कि तुम सारे कार्यकर्ता या जो धम्मिक लोग हैं उनको किसी के यहाँ जाने से रोकना। गुट बना के नेतागिरी करते हैं, कार में चलते हैं कि हम धम्म के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, ये हमारा अपना है, नई नई बातें आते हैं और धम्म की कहीं कोई बात नहीं, धम्म का कहीं कोई लेना देना नहीं। भगवान बुद्ध ने इतना प्यारा इतना बढ़िया धम्म दिया जो पूरे देश को एक कर गया। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा राज्य धम्म के आधार पर चलाया, उसकी संतानों ने चलाया, पूरी दुनिया ने धम्म का लोहा माना और भारत में धम्म पैदा हुआ। ये पुराने धम्मिक लोग हैं, इनको नेतागिरी की पड़ी हुई है। कहां से सीख के आए नेतागिरी, किससे सीखी है नेतागिरी, धम्म ने ही सीखा। जो धम्म बाबा साहब ने लाके दिया, बाबा साहब ने कब कहा कि तुम भारतीय बौद्ध महासभा के 50 टुकड़े करना। भारतीय बौद्ध महासभा अगर बाबा साहब का कोई परिवार है तो क्या वो अलग अलग चलाएगा धम्म को, क्या धम्म की अलग अलग शाखाएं बनेगी, क्या सारे बुद्ध विहार एक साथ नहीं आएंगे, क्या धम्म के लोग एक साथ नहीं आएंगे। अगर इतनी भी काबिलियत नहीं है धम्म चलाने वालों को तो छोड़ देना चाहिए। अगर सारे बुद्ध विहार एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं तो बुद्ध विहार बंद कर देने चाहिए, उसका फायदा क्या हुआ। अगर एक धम्म बड़ा नहीं हो सकता है तो धम्म की देशना देने का मतलब क्या है। बुद्ध ने एक संघ बनाया और संघों को सर्वोपरि किया। अगर आप 10 संघ बनाते हो, 1000 संघ बनाते हो तो संघ का मतलब खत्म हो जाता है। आपको आप कैसे संघ नायक बनना चाहते हो, आपको नेतागिरी की पड़ी हुई है, आप संघ में भी नेतागिरी करते हैं, आप संघ में भी पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, आप संघ में भी लेन देन कर रहे हैं। ये धम्म का पतन, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म को दिया 1956 में दोबारा से, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि धम्म का दोबारा से पतन आरंभ हो जाएगा। अभी तो धर्म आगे बढ़ा भी नहीं, धम्म आगे बढ़ा भी नहीं, और आपने उसका पतन आरंभ कर दिया, उसको खत्म कर दिया। आप अगर 1000 संगठन धम्म के बना के चलोगे तो धम्म कहाँ रहेगा, धम्म तो पानी मांगेगा, वो तो पैरों में पड़ा होगा। आपसे अच्छे तो वो विदेशी लोग हैं जो धम्म को ले गए और बड़े आसानी चलाते हैं। देखिए जाके बर्मा को, देखिए जाके जापान को, देखिए जाके चीन को, देखिए जाके श्रीलंका को, धम्म वहां चलता है। धम्म भारत में इतना मजबूत स्थिति में
अशोक के समय रहा तो कैसे पतन हो गया, क्योंकि आपने धम्म को सीखा नहीं। अभी आप धम्म कम जानते हैं और जातियों में ज्यादा उलझे हुए हैं, आपको धम्म की समझ नहीं है। धम्म को आपने रिलीजन बना दिया, धर्म बना दिया, मजहब बना दिया, आप दूसरों के पैटर्न पे इसको लेके आ रहे हैं। आपने सारी वो चीजें इसमें डाल दी जो धम्म को खत्म करने वाली हैं। थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो देखिए, थोड़ा तो पढ़िए, थोड़ा तो जानिए बाबा साहब को, थोड़ा तो जानिए बुद्ध को। इसलिए जितने भी धम्म को जानने वाले या मानने वाले लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम धम्म को राजनीति से और धंधे से छोड़ दें, बख्श दें, या फिर धम्म को छोड़ दें। अगर आप धम्म में राजनीति और धंधा करना चाहते हैं तो छोड़ दें। धम्म बिजनेस करने की जगह नहीं है, बिजनेस करने का बहुत सारे तरीके हैं। धम्म नेतागिरी नहीं है, नेता करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, इस बुद्ध पूर्णिमा पे एक ही कार्यक्रम लगाइए, पूरे देश में एक पूरी बॉडी बनाइए जो पूरे धम्म को सीखे और पूरी दुनिया से जाके मिलिए। धन्यवाद। Shit.